नमस्कार, आप देख रहे हैं पांच की बात। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। देश में कोरोना का कोहराम लगातार बढ़ रहा है। कोरोना के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। इस बार यह आंकड़ा हो गया 131। यूपी में कोरोना वायरस से 15 लोग संक्रमित हैं। अब तक कोरोना वायरस से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना की चपेट में अब तक जो लोग आए थे उनमें 13 मरीज हैं और 2 अप्रैल तक सिनेमाघर बंद है। उत्तर प्रदेश में परीक्षा स्थगित है। भारत में बढ़ रहा है कोरोना वायरस का कहर। देश में 250 स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 50 रुपए। केंद्र सरकार ने सभी कार्यालयों में थर्मल स्कैनर लगाने के आदेश भी पारित किए। सरकारी संस्थानों में अस्थायी पास सस्पेंड। भारी लोगों के प्रवेश पर रोक। कोरोना वायरस को लेकर लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां फैली हैं। लोग कोरोना के संक्रमण को लेकर डरे हैं, सहमे हैं। प्रयागराज में न्यूज़ वन इंडिया ने डॉक्टर्स के बड़े पैनल से आम लोगों को रूबरू कराया। उस दौरान आम लोगों ने कोरोना को लेकर कई सवाल किए, उसका डॉक्टर्स ने जवाब भी दिया। आप देखिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता आलोक मालवे की एक खास रिपोर्ट। न्यूज़ वन इंडिया लोगों को जागरूक कर रहा है और आम दर्शकों को भी जागरूक कर रहा है। हमारे साथ डॉक्टरों का पैनल भी था और इसके साथ हमारे साथ लोग भी हैं जो कि इससे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। नास्ती बीमारी अगर किसी को है तो वो अभी इस समय जो पुराने मरीज हैं उनका तो जैसे ट्रीटमेंट चल रहा है, उनको पता है कोई एलर्जी हो सकती है। एलर्जी की वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, नाक बंद हो जाती है, नाक बहने लगती है। और अगर आज के समय में है तो वो मौसम का भी असर हो सकता है। उसको बहुत ज़्यादा टेंशन में ना लें, अस्पताल आके उसका इलाज कराएँ। अगर कुछ जाँच होगी तो हम डॉक्टर्स उसको प्रिस्क्राइब करेंगे। जो जाँच होगा उसको हम लोग कराएंगे। मतलब पुराने लोगों को संक्रमण का खतरा ज़्यादा है क्या, ऐसा उनका कुछ ना था? एज रिलेटेड है। अभी तक जो हमारे पास जो भी हमारे केसेस सामने आ रहे हैं, वर्ल्ड वाइड आ रहे हैं, ये आ रहा है कि 60-65 साल के ऊपर वालों को ही ये ज़्यादा हो रहा है, जिसमें डेथ जो भी हुई है इंडिया में, जैसे 2 पेशेंटों के मरे हुए हैं उनकी भी उम्र 70 साल के ऊपर थी। आप अब उसको ये नहीं कह सकते कि कोरोना की वजह से ही वो मरे, हो सकता है उसका कुछ दूसरा भी असर हो, इम्यूनाइजेशन प्रॉब्लम हो, वो कमज़ोर भी थे इसलिए उन पर जल्दी हावी हो गया। तो और लोग भी हमारे साथ हैं, अनुराग अस्थाना जी हैं। क्या कहेंगे अनुराग जी, आप क्या पूछेंगे डॉक्टरों से, क्या चीज़ें आपको समझ में? मुझे तो लगता है कि लोग सिचुएशन से पैनिक ज़्यादा हो रहे हैं, वायरस से बचाव कम कर रहे हैं और एक दूसरे को देख के ज़्यादा वो कर रहे हैं। मास्क नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, हमें लगता नहीं कि ऐसा कुछ जरूरत है। मतलब ज़्यादा लोग पैनिक ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है, बाकी ऐसी कोई बात आपको लग रही है? ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, अवॉइड करें, प्रिकॉशन ले, बट पैनिक मत। हमारे साथ है आशीष श्रीवास्तव जी जो कि अधिवक्ता हैं। क्या कहेंगे, आपका कोर्ट भी बंद हो गया है, ये जानना चाहते हैं कि जहाँ पर जैसे लोग बता रहे हैं कि आप मास्क वगैरह जहाँ अवेलेबल नहीं है रिमोट एरियाज़ में, वहाँ क्या किया है डॉक्टर सरायल चाहते हैं क्या किया जाए वहाँ पर? मतलब किस तरह का इसे मास्क यहाँ शहर में अवेलेबल है, गाँव में तो नहीं है ना जी, तो गाँव में रिमोट एरिया में अगर जहाँ भाई ब्लैक मार्केटिंग पहले ही हो रही है मास्क वगैरह की, तो अवेलेबल नहीं, तो क्या करा जाए, उसके लिए कैसे बचाव किया जाए? वो अजय जी ने पहले ही बताया कि उससे किस तरह से हम लोग बचाव कर सकते हैं, मास्क की जगह कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, उन्होंने पहले ही ये बातें बताई। इसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ें आपने जो बताई वो सैनिटाइज़र बनाने की विधि बताई कि उसको बना कर लोग अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। हमारे साथ रीता केसरवानी की छात्र नेता हैं, छात्रा हैं, पढ़ती हैं। क्या कहेंगी, आपके साथ और भी छात्राएँ रहती हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब कि किन लोगों को सबसे ज़्यादा ये मतलब कि जल्दी होता है लोगों में, कैसे लोग मतलब कि पहले बात तो डरे हुए कि किसी हमको जो कहीं लोग जाते नहीं हैं, आते नहीं हैं, तो मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ कि किन लोगों में सबसे पहले ये चीज़ें होती है, क्या क्या चीज़ें होता है कि जो उनको पहले ही हो जाता है तुरंत, मतलब कि कैसे पता चलेगा कि इन लोगों में हो जाता है, तो उनको बचाव कैसे करना चाहिए इस चीज़ से? तो इसका जवाब मनोवैज्ञानिक सान्या जी देंगी। क्या कहेंगी आप, जैसे इनका सवाल आपके लिए है? सबसे पहले अगर आपको लग रहा है कि आपको बुखार आया है, सर्दी है, खांसी है और बदन में दर्द हो रहा है, सर में दर्द है और बहुत टाइम से वो ठीक नहीं हो रहा है, तो कम से कम 14 दिन आपको वेट करना है। 14 दिन के अंदर ही वो डायग्नोजेबल है। इस स्थिति में जब आप आइसोलेशन की स्थिति में होंगी, अपने आप को रखना है इस 14 दिन के अंदर, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है और एक बार आप जिस भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रही हैं, पूरा इन्वेस्टिगेशन करवाने के बाद में फिर किसी नतीजे पे पहुंचिए या आपको अपने लिए जो भी सुझाव सही लग रहा है ट्रीटमेंट के लिए उसके ऊपर। तो कुल मिलाकर डॉक्टरों से कंसल्ट कर लें अपना, जो भी चीज़ें दिमाग में उनके आ रही हैं। हमारे साथ है यश शर्मा जी जो कि पोएट हैं, कवि हैं,
वो भी कवि सम्मेलनों में जाते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं अटेंड करते हैं, इस समय क्या पोजीशन है? कवि सम्मेलन कम हो रहे हैं क्या? कवि सम्मेलन काफ़ी कम हो गए हैं, सोशल गैदरिंग कम हो गई है और लोग ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से घबरा रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें तो हैं और काफ़ी एक तरीके का भयावह माहौल है जनता के बीच में, तो ये सत्य है। और मैं डॉक्टर्स से ये जानना चाहता हूँ कि इस वायरस के बारे में कई प्रकार की भ्रांतियाँ हैं, कुछ लोगों का हमारे समाज में ये कहना है कि ये एक जैविक हथियार है और कुछ लोगों का ये कहना है कि ये एक इन्फ्लुएंजा है, नॉर्मल जुकाम या नॉर्मल इन्फ्लुएंजा है, तो इसमें सत्यता क्या है? ये क्या सही में जैविक हथियार है या इन्फ्लुएंजा है? दूसरा ये भी माना जा रहा है कि कई व्हाट्सएप के संदेशों के माध्यम से ये प्रचारित किया जा रहा है कि ये 35 डिग्री टेम्परेचर में या 28 डिग्री टेम्परेचर में ख़त्म हो जाएगा, तो इसमें सत्यता है या नहीं है? कि और कुछ कई जगहों पर यह भी बात हो रही है कि गौमूत्र पीने से या अल्कोहल के अत्यधिक सेवन से भी ये ख़त्म हो जाएगा, तो क्या ये भी सत्य है या नहीं है? ये अगर डॉक्टर्स इस पर वैज्ञानिक रूप से प्रकाश डालें तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। क्या कहेंगे अजय जी, आपके लिए सवाल आया है? बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है शर्मा जी ने। इन्होंने जो बोला है कि गौमूत्र पीने से या जैविक हथियार, ये बिल्कुल निराधार, मतलब इसमें कोई सत्यता नहीं है। व्हाट्सएप के जितने भी मैसेजेस चल रहे हैं वो सब फेक हैं, उस पर बिल्कुल ना जाएं। और जो भी ये है, ये मैंने पहले ही बोला था कि जूनोटिक है, ये एक जानवर के थ्रू जो इंसान में आया और इंसान ये चाइना से स्टार्ट हुआ, अब जाके वो इंडिया में आ गया है। तो गौमूत्र से या अल्कोहल से, इन सब चीज़ों से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो इन्होंने एक प्रश्न पूछा कि गर्मी या जाड़ा, ये किसी भी मौसम में हो सकता है, क्योंकि जाड़े में ज़्यादा होता है, उस समय आपको फ्लू के सिम्टम्स या आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक हो जाती है जाड़े में, तो आपको सर्दी जुकाम ज़्यादा होता है, इसलिए वो इफेक्ट करता है। गर्मी में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें पेशेंट मिल सकते हैं, बट इतने नहीं मिलते, उस समय ऐसा पेशेंट ख़त्म हो जाता, मतलब वायरस जो है ख़त्म हो जाता है। तो उससे इसका कोई लेना देना नहीं कि अल्कोहल पीने से ये वायरस चला जाएगा या फिर गर्मी में ऐसा नहीं आएगा, ये किसी भी मौसम में हो सकता है। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे हम लोग छींकते हैं तो आप हमेशा अपने हाथ को ऐसे पकड़ के छींकते हैं, हमें हमेशा छींकना चाहिए ऐसे, ताकि वो हमारे हाथ पे ना हो, जो ड्रॉपलेट्स हैं हमारे हाथ पे ना आए और हमारे मुंह पे, आँखों में या फिर नाक पे ना जाएं। तो हमेशा छींकने के लिए ऐसे इस्तेमाल करना है। और मास्क के लिए तीन कपड़े का, खुद का कपड़ा एक लेके उसको तीन लेयर बना के बांधना है। और कभी भी सैनिटाइज़र खरीदने के लिए परेशान नहीं होना है, स्प्रिट बाज़ार में मिलती है, 10-15 से 20 रुपए में मिलेगी, थोड़ा सा वाटर मिक्स करिए और उससे सैनिटाइज करिए हाथ को। तो कितनी अच्छी चीज़ें बताई डॉक्टर अजय ने, और हमारे साथ कुछ दर्शक भी हैं, क्या पूछना चाहते हैं, क्या परिचय है पहले बता देना। मेरा क्वेश्चन ये था कि डॉक्टर से, कि सन 2002 में चाइना में डोंगगांग में जो है सबसे पहले इसको, इस वायरस को देखा गया था, कोरोना वायरस को, इसको WHO ने जो है SARS SARS नाम से जो है इसको, उसी टाइम COVID-19 भी तैयार हो गया था, COVID-19 उन्होंने नाम दिया था। तो उस 20 से लेकर के अब तक 2020 तक में मतलब ऐसा कोई संक्रमण देखा नहीं गया था, लेकिन अचानक से ये 2020 में आने का इसका कारण क्या था? और दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि लोग कह रहे हैं कि जैसे कि नॉनवेज खाने से ये चीज़ें होती हैं और जो घर में पालतू जानवरें हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहना है, इसमें क्या सत्यता है? और सर तीसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि, चलिए इतना क्वेश्चन सर मैं अभी तीसरा बाद में मैं जी 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 बिल्कुल। ईशान्या जी आपसे सवाल है, क्योंकि मनोरोग से संबंधित ये सवाल है, क्या कहेंगे आप? देखिए जब भी कोई घटना होती है उससे जुड़ी मिथ्याएं जो हैं वो समाज में फैलती है, और अभी तक कुछ भी प्रूव नहीं हो पाया है कि ये पर्टिकुलरली मीट से ही होता है, मतलब नॉनवेज से ही होता है या इस चीज़ से होता है। तो अभी मिथ्याओं से बचें, फैक्ट के ऊपर में जाएं, जो ऐसे स्टडीज़ को देखें जहाँ पे प्रूव्ड हो चुके हैं केसेस कि इसके कारण हुआ है, जैसे कि कहा गया है कि ये कम्युनिकेबल है ना। तो हम एक चीज़ कह सकते हैं कि ऐसे बीमारी से ग्रसित अगर कोई व्यक्ति हमसे मिलता जुलता है तभी हम इससे अफेक्टेड हो सकते हैं, और थोड़ा अभी आइसोलेशन में रहना है और गैदरिंग से बचना है, इन्हीं सब चीज़ों पर जाइए जो कि तथ्यों से प्रमाणित हो रखे हैं, मिथ्याओं पर ना जाए। मिथ्याओं पे नहीं जाना है और जो प्रमाणिकता है उसी को लेकर चलना है। हमारे साथ है शुभम जो कि छात्र है, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी तक ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं, हालांकि ये प्रकोप बहुत ही भारी हुआ है अभी तक साबित, जो कि मैं सर से पूछना चाहूँगा कि सर इसे कैसे आम तौर पर बचें और लोगों को कैसे बचाएं? बस अब जागरूकता के लिए आपका सवाल है, सवाल कर रहा हूँ सर। डॉक्टरों ने हमारे जागरूकता के लिए तो बहुत सी चीज़ें बताई हैं, आप कुछ बताना चाह रहे थे जागरूकता के लिए? जागरूकता के लिए यही कि पैनिक मत होइए, अपना पर्सनल हाइजीन
रेस्पिरेटरी हाइजीन मेंटेन करिए, अपने फेस को कवर करिए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, जब भी आप छींके खांसी रिफ्लेक्स है, अपने हाथ कोहनी को मोड़ के उस पर छींकिए या खांसी, और टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करेंगे उसको तुरंत ही आपको क्लोज डस्टबिन में डैम्प कर देना है, है ना। अब जो भी संक्रमित लग रहा है, छींक आ रही, खांसी आ रही, ऐसे आप सस्पेक्टेड केस पे जा रहे हैं तो थोड़ी दूरी बना के रखिए, 3 फीट की दूरी बना के रखिए, और अपना रेगुलर हैंड वॉशिंग करिए, है ना। अपने आँख को, नाक को, मुंह को रेगुलरली ना छुएं, अपनी जो आदत में है उसको हटाइए, थोड़ा समझ लाइए, और पैनिक होने की कोई आवश्यकता है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पैनल था हमारा, जिन्होंने इतनी अच्छी बातें बताई कि हैंड सैनिटाइज़र कैसे बनाएं, किस तरह से हैंड वॉश करें, किस तरह से छींकें, किस तरह से खांसे, तो किस तरह से उसका बचाव करें। आलोक मालवीय, न्यूज़ वन इंडिया, प्रयागराज। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना के मरीजों की तादाद 131 से भी 132 पहुंच चुकी है। कोरोना वायरस से 15 लोग संक्रमित है उत्तर प्रदेश के अंदर। जो आंकड़ा कल तक 13 था वो 15 हो चुका है, क्योंकि दो हाल ही में नए मामले उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं, एक सेक्टर 100 और एक सेक्टर 78 से। यूपी में कोरोना वायरस से 15 लोग संक्रमित हैं। तो नोएडा में कोरोना के मामले दिनों दिन बढ़ रहे हैं, दहशत का माहौल है, और इसी के मद्देनजर जिला प्रशासन की ओर से भी निजी अस्पतालों को महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी की गई। किसी भी मरीज में कोरोना के लक्षण मिलने पर स्वास्थ्य विभाग को जानकारी देने और सरकारी अस्पताल में भेजने को बोला गया है। प्राइवेट या हॉस्पिटल कोई भी हो, तो जो प्रिकॉशंस ली जा रही हैं वो जनरल में, जैसे इस समय पे हमारे पास नॉर्मल फ्लू पेशेंट्स भी काफ़ी हैं, सीजनल वायरल इन्फेक्शंस भी हैं, फ्लू पेशेंट्स भी हैं, तो हमने अपने हॉस्पिटल में एक स्क्रीनिंग सिस्टम बनाया हुआ है, जहाँ पे जो भी पेशेंट फ्लू लाइक सिम्टम से आता है उसको पहले स्क्रीन करके देख लेते हैं कि वो एक सीजनल फ्लू या वायरल फ्लू के सिम्टम्स हैं। अगर किसी पेशेंट में फीवर, हाई ग्रेड या ड्राई कॉफ या सांस लेने में कोई दिक्कत, विद रीसेंट हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल है, या कोई सस्पेक्टेड कॉन्टैक्ट किसी पेशेंट से सस्पेक्टेड, या उसको कोई और सिम्टम्स हैं जिसमें हमें लगता है कि किसी संपर्क में आया हो, तो हम उसको स्क्रीन करते हैं। नोडल ऑफिसर जो हमने सरकार ने हमें नोडल हॉस्पिटल्स बताए हुए हैं, वहाँ पर हम उनको प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ। जहाँ कोरोना वायरस को लेकर के आतंक मचा हुआ है, कोरोना वायरस फैलते ही जा रहा है, ऐसे में जो गौतम बुद्ध नगर के सीएमओ है, उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए गाइडलाइन जारी कर रखी है कि उनके पास में कोई भी ऐसा मरीज आता है जो उनको लगता है कि इनको कोरोना वायरस हो सकता है, या कोई जाँच कराने भी आता है, तो उन सभी लोगों को कैलाश हॉस्पिटल या और भी अन्य जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो सब मरीज हैं वो जो सरकारी हॉस्पिटल बनाए गए हैं वहाँ बेड लगाए गए हैं, कोरोना वायरस को लेकर के इंतजाम कर रखे हैं, तो वहाँ पर भेजने के लिए साफ तौर पे आदेश दे दिया गया है। तो यहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो भेज देते हैं, वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उसके बाद में वहाँ से उनकी जांच किए जाते हैं, जांच के बाद में रिपोर्ट आती है, उसके अनुसार वहाँ पर देख रेख की जाती है, वो डॉक्टर के निगरानी में ही सारी चीज़ें की जाती है। नोएडा से विनायक गुप्ता, न्यूज़ वन इंडिया। हापुड़ में कोरोना को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है। कोरोना के शक में युवक ने पुलिस तक बुला ली, 112 पर कॉल कर मदद मांगी, दो लोगों से हाथ मिलाने के बाद किया कॉल, पुलिस ने तीनों लोगों को पकड़कर स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी, दो घंटे बाद भी नहीं पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। बाबूगढ़ थाने के कुचेसर चौपाल का ये मामला है। कोरोना की वजह से अथॉरिटी में लोगों के जाने पर भी इस वक्त रोक लग चुकी है। नोएडा अथॉरिटी में 10 अप्रैल तक जनसुनवाई बंद है, शिकायतों को नोएडा अथॉरिटी के रिसेप्शन पर लिखित एप्लीकेशन के माध्यम से छोड़ सकते हैं। और वहीं किसी कोरोना से लड़ने के लिए एनडीआरएफ की टीम भी तैयार है। एनडीआरएफ ने अपनी कमर कस ली है, किसी भी आपदा से सुरक्षा करती है एनडीआरएफ की टीम। एनडीआरएफ कर रही है लोगों को जागरूक।
और अब खबर सीतापुर से है, जहां सपा नेता राम गोविंद चौधरी का बड़ा बयान, जिला जेल में आजम खान को रखा जा रहा है तन्हाई में, जेल में उस जगह निकलते हैं सांप बिच्छू, आजम खान को डराया धमकाया जा रहा है, योगी सरकार पर निशाना साधा, कोरोना से ज्यादा तो खतरा इस सरकार से है। तो कल पार्टी कार्यालय में भी, कल या परसों आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि समाजवादियों को कोरोना वायरस से कोई खतरा नहीं, आप भी थे उसमें? हम थे, खतरा नहीं है क्योंकि हम लोग चौंकाना, सरकार ने हम लोग को चौंकाना पहले से कर दिया, और आप जैसे चले लोगों ने ऊपर भाई ना रखो, तो कोरोना वायरस से क्या खतरा है, कोरोना वायरस से तो बाद में खतरा होगा, कोरोना से भी खराब वायरस जो है पार्टी की सरकार है, जब मानो और आज इस बात का, यानी कि अपने पत्र के बयान पे कायम है पूरी तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल, कि मुसलमानों को डराने के लिए, डराए सबसे देश के सबसे बड़े नेता है ये मुसलमानों की, तो आप बताइए कि जुआ की इतना बड़ा विश्वविद्यालय खोला, कोई अपना घर तो नहीं बनाया, वहाँ वहाँ उनके कब्र है, उनके बारे में। तो कल पार्टी कार्यालय में भी, कल या परसों आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि समाजवादियों को कोरोना वायरस से कोई खतरा नहीं, आप भी थे उसमें? हम थे, खतरा नहीं है।